ये लाखों लोग यहां पर ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, आप ना वैकेंसीज डाल दो। ये नोटिस इसलिए नहीं था आपको बताने के लिए कि यहां पर आके रजिस्टर करवा लो, ना 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 ना, वो तो छत्र छाया ले ली उसकी ताकि स्टूडेंट खुश हो जाएं और कुछ यूट्यूबर्स का पेट भर जाए, थोड़ा सा चैनल वगैरह चल जाए। ये तो यहां पर बताने के लिए था कि भाई जॉब दे दो यहां पर, हम कब से यहां पर नोट लेटेस्ट जॉब ऐसा लिखे हुआ आ रहा है, कोई एक आधी जॉब ही ला दो, हम ना थोड़े से खुश हो जाएंगे। तो ये मांगने के लिए था ये नोटिस, ना कि जॉब देने के लिए। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? आज एक वीडियो भेजी थी किसी ने, उसमें क्या था कि एक यूट्यूबर ने बताया कि भाई यूजीसी जो है वो आपको जॉब देगी। मेरे पास में आया हुआ उसका स्क्रीनशॉट, कहते हैं यूजीसी ने आपके लिए कुछ निकाला है, उसमें आपको जॉब दिया जाएगा। ठीक है, ये देखो एक दो और आए हुए हैं। अब ये कितनी बड़ी नलायकियां हैं आप लोगों के लिए, मैं आपको दिखाता हूं। देखो वेबसाइट खोल के दिखाऊंगा मैं आपको, रुको। कह रहे हैं कि एक पोर्टल ऐसा जो यूजीसी ने बनाया और वो आपको जॉब देगा, और देखो हम कैसे इसमें कैसे अप्लाई आप कर सकते हो, ये हम आपको समझाते हैं। और एक दो ने और ने पोस्ट कर रखा था, अब आपको नौकरी देगा यूजीसी। अब मैं आपको दिखाता हूं जी है क्या, एक्चुअल में सेंस क्या है। देखो नलायकियां देख लो इनकी, बेवकूफ बनाने की बात है। यूजीसी का पोर्टल मैं आपके लिए खोलता हूँ। यूजीसी का पोर्टल ये रहा जी, ये यूजीसी का पोर्टल है, यहां पर मैं आपको दिखाता हूँ। देखो असलियत क्या है, अब तो आप तो मेरे दोस्त हो तो मैं आपके साथ में बात कर रहा हूँ, वैसे मैं क्या काहे को मेरे को दिक्कत। वो कहते हैं यहां पर जाओ और ये देखो जी, एकेडमिक जॉब पोर्टल करके आपके लिए 16 जून को निकाला हुआ है, इसको पढ़ लेते हैं जी। चलो पढ़ते हैं, कोई बात नहीं, 10 मिनट लगा लेंगे, क्लास में कुछ सीखने को मिल रहा है तो राधे बोल के देख लेते हैं इसको भी। कहते हैं कि ये देखो जी 16 जून को यूजीसी का आया हुआ है जी, ऐसे जोर जोर से यूजीसी का आया हुआ जी, आपके लिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। 16 जून को लेटेस्ट है जी 2021 का, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन हैज क्रिएटेड एकेडमिक जॉब पोर्टल एट यूजीसी, और ये वेबसाइट बता दी, विच हेल्प्स एनईटी एसईटी पीएचडी क्वालिफाइड कैंडिडेट टू ब्रिंग देयर एकेडमिक प्रोफाइल टू द अटेंशन ऑफ यूनिवर्सिटीज कॉलेज एंड अदर एम्प्लॉयर्स। मतलब ये बड़ा ऐसे अच्छा लग रहा है, स्टूडेंट जो देखने वाले बड़ा अच्छे, अरे वाह वाह क्या बात है, नेट पास कर लेंगे तो जो मिल सके, वाह वाह यूजीसी ने ऑफिशियल पोर्टल, वाह 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 क्या बात है, क्या बात है, क्या पूरा पढ़ेंगे जी, पूरा पढ़ेंगे। लास्ट में जाके लाइन लिख रखी है, यू आर रिक्वेस्टेड टू काइंडली अपलोड देयर जॉब वैकेंसीज ऑन दिस पोर्टल विच विल बी हेल्पफुल इन दिस इमेनेटिंग द इंफॉर्मेशन टू द एलिजिबल कैंडिडेट। अब लास्ट में जाके ये लाइन लिख दीजिए, लास्ट में जाके ये लाइन लिख दीजिए। इसका क्या मतलब हो गया? इसका मतलब ये होगा कि ये भीख मांग रहे हैं। किससे भीख मांग रहे हैं? उन लोगों से जो वैकेंसीज देते हैं। समझ में आ रही है बात? तो ऊपर छत्र छाया इन्होंने ली कि हम जॉब दे रहे हैं, जॉब दे रहे हैं, लास्ट में जाके इन्होंने असलियत सामने ला दी। कहते जॉब तो तब देंगे जब वैकेंसीज हमारे पास में होगी। अरे वैकेंसीज हमारी पोर्टल के ऊपर अपलोड कर दो, हाथ जोड़ते हैं जी आपके सामने, ये लास्ट में लाइन लिखकर उसने बता दी। एक तरीके से मांगी गई है कि भाई वैकेंसीज दे दो, वैकेंसीज दे दो। अब मैं आपको दिखाता हूं जी वो पोर्टल जहां पर आपको ये कह रहे हैं कि एकेडमिक जो पोर्टल है। अच्छा जी चलो जी पोर्टल पे जाके देखते हैं जी कौन सा पोर्टल है, जरा देखें इसको। यहां पर हम चले जाते हैं एकेडमिक एकेडमिक जो पोर्टल, ये रहा जी, इसको सर्च करते हैं जी। अब यहां पर हमारे सामने वो पोर्टल आ जाए भैया, ये आ गया जी एकेडमिक जॉब पोर्टल, ये जो यूजीसी ने बनाया है, ये लो जी ये पोर्टल आ गया जी हमारे सामने। अब ये देखो पहली बात तो ये थी कि ये नोटिस नया निकाला गया ना, ये नोटिस नया निकाला गया तो ये वापिस है यूजीसी ने एक वापिस से लोगों को बताने की कोशिश की है कि यार ये हमने पोर्टल बहुत पहले से बनाया हुआ है, इसके ऊपर देखो 53,467 लोग नेट क्वालिफाइड वाले, 13,723 लोग नेट विद जेआरएफ वाले, सेट कैंडिडेट 14,229, पीएचडी वाले 26,015। ये लाखों लोग यहां पर ऑलरेडी वेट कर रहे हैं, आप ना वैकेंसीज डाल दो। ये नोटिस इसलिए नहीं था आपको बताने के लिए कि यहां पर आके रजिस्टर करवा लो, ना 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 ना, वो तो छत छाया ले ली उसकी ताकि स्टूडेंट खुश हो जाएं और कुछ यूट्यूबर्स का पेट भर जाए, थोड़ा सा चैनल वगैरह चल जाए। ये तो यहां पर बताने के लिए था कि भाई जॉब दे दो यहां पर, हम कब से यहां पर नोट लेटेस्ट जॉब ऐसा लिखे हुआ आ रहा है, कोई एक आधी जॉब ही ला दो, हम ना थोड़े से खुश हो जाएंगे। तो ये भीख
मांगने के लिए था ये नोटिस, ना कि जॉब देने के लिए। समझ में आ रही है बात आप लोगों को? अब उन यूट्यूबर्स ने क्या क्या हेडिंग लिखी, आपको देगा नौकरी यूजीसी, और कुछ एक ने बता दिया जी भाई गुड न्यूज वन पोर्टल फॉर जॉब फॉर नेट जेरफ पीएचडी, नौकरी पाना हुआ आसान, लाखों अप्लाई कर रहे हैं आप रह गए हैं, हाउ टू अप्लाई स्टेप बाय स्टेप, और ये देखो जी धमाकेदार चीजें। अब यहां पर मैं आपको चैलेंज देता हूं, आप आज खोल लो, कल खोल लो, दो महीने बाद खोल लो, दो साल बाद खोल लो, यहां पर आपको नो लेटेस्ट पोस्टेड जो भी देखने को मिलेगा, यहां पर कभी जो वैकेंसी पोस्ट ही नहीं की जा सकती। आप खुद समझदार हो, कौन यहां पर पोस्ट करेगा, क्या गवर्नमेंट जॉब यहां पर पोस्ट होगी? अगर गवर्नमेंट जॉब यहां पर पोस्ट होगी तो वो ऑलरेडी उसकी विज्ञप्ति निकल चुकी होगी और वो सारों को पता लग ही जाएगा, वो यहां से कैंडिडेट नहीं लेंगी, वो तो एग्जाम करवाकर इंटरव्यू देकर लेंगे। और रही बात प्राइवेट वालों की, तो प्राइवेट वालों के अंदर भी तो आप लोगों को वैसे ही देना पड़ेगा, तो वो बात है। तो ये सारी की सारी चीजें अपने चैनल को चलाने के लिए लोग बड़े बड़े हैं, वो मैं नाम तो क्या बोलूं, जानते हैं आप लोग। अब वो लोग गुमराह करते हैं, बेसिकली गुमराह करते हैं किस तरीके से, अब ये बहुत अच्छा लगेगा सुन। अब ये नोटिस की लैंग्वेज मैं आपको दिखाऊं, अब ये नोटिस की लैंग्वेज जो है वो खैर कहां गया वो नोटिस, चलो छोड़ो, नोटिस की लैंग्वेज देख के सुन को लगेगा अरे वाह हम तो अब तो बल्ले बल्ले होगी, ये कोई बल्ले बल्ले वाली चीज नहीं है, ये तो बहुत पुरानी बात है, ये बहुत पुराना पोर्टल है, ये तो अब वापिस से नोटिस नया निकाल दिया इसका मतलब नया पोर्टल हो गया, ना 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 ना, पोर्टल पुराना ही है, सारी चीज पुरानी है, नोटिस निकाल के इन्होंने वैकेंसीज के लिए बोला है वैकेंसीज दे दो वैकेंसी दे दो, समझ मारिए क्या बात है। तो मेरे को बड़ा गुस्सा आता है इन चीजों पे कि भाई क्यों ऐसा, क्यों गुमराह क्यों कर रहे हो आप, खैर गुमराह को क्या करेंगे, उनको खुद कोई नॉलेज नहीं होती इन चीजों की। खैर काफी हंसना खेलना कर लिया आप लोगों ने, बहुत अच्छी बात है। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जी, पिछले वाले का दे दिया था, हाँ चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। हाँ 7 दिन में 7 लाख घर बैठे, हाँ और उसमें मेरे को चौंकने वाली बात ये कि इतना बच्चा उसको देख रहा है और वो क्या करते हैं, वाह वाह सर जी, वाह वाह मैडम जी, वाह वाह क्या बात है जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आप ही हैं हमारे सहारे, और ऐसे वैसे। मैं कहा तुम सहारा ही ढूंढता रहोगे बेटा जिंदगी भर, जिंदगी भर तुम सहारा ही ढूंढते रहोगे, तुम्हारे को लाठी की जरूरत पड़ेगी, मैडम तुम्हारे कंधे पर हाथ इसलिए रखने दे रही है, तुम्हारी जेब से पैसा बैठा हुआ है इसलिए कंधे पर हाथ दे रही है, और जैसे ही वो पैसा खत्म हो जाएगा, पैसे की जो जो पावर है वो खत्म हो जाएगी, झटक के साइड में कर लेगी मैडम कंधा, समझ हमारी बात के। तो तुम्हें मैडम की जय हो आलू सिंह टमाटर लाल मिर्च को, यार चलो